नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक युवक भारती के चौथे पाठ आदर्श बदला को पढ़ाऊंगी। इसके लेखक है सुदर्शन जी, और इस पाठ का सार ऐसा है। आगरा शहर में सुबह सुबह साधुओं की एक मंडली अपने ढंग से भजन गाते गुनगुनाते प्रवेश कर रही थी। इस मंडली में एक छोटा बच्चा भी था। साधु अपने राग में मगन थे। तभी राज्य के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर के मशहूर संगीतकार तानसेन ने यह कानून बनवा दिया कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके, वह आगरा की सीमा में गीत ना गाए, और जो गाए तो उसे मौत की सज़ा दी जाए। बेचारे साधुओं को इसकी जानकारी नहीं थी। साधु संगीत विद्या से अनभिज्ञ थे, अंततः उन्हें मृत्युदंड की सज़ा हुई। पर उस बच्चे को दया करके छोड़ दिया गया। वह बच्चा रोता तड़पता आगरा के बाजारों से निकलकर जंगल में अपनी कुटिया में पहुंचा और विलाप करता रहा। तभी खड़ाऊ पहने, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और उन्होंने उसे शांत रहने के लिए कहा। पर उस बच्चे के मन में शांति कहाँ थी? उसका तो संसार उजड़ चुका था। तानसेन ने उसे तबाह कर दिया था। यह बच्चा बैजू बावरा था। उसने अपने साथ हुई सारी दुर्घटना बाबा हरिदास को बताई और अपने बदले की भूख और प्रतिकार की प्यास मिटाने की उनसे प्रार्थना की। अंत में हरिदास ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे ऐसा हथियार देंगे जिससे वे अपने पिता का बदला ले सके। इसके लिए उन्होंने बैजू बावरे से 12 वर्ष तक संगीत की तपस्या करने का वचन लिया। बाबा ने 12 वर्ष बैजू बावरा को यह सब कुछ सिखा दिया जो उनके पास था। अब बैजू पूर्ण गंधर्व हो गया था। उसके स्वर में जादू था, लेकिन संगीत तपस्या पूरी होने के साथ साथ ही बैजू बावरा को बाबा हरिदास के सामने यह प्रतिज्ञा भी